अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी खैर से हूँ। क्या आप लोगों को पता है 12 गुनहगार औरतें कौन कौन सी हैं जो अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच सकती? वो कुछ भी हो जाए वो कभी बच ही नहीं सकती हैं। तो कौन कौन सी 12 औरतें हैं जो कभी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकती हैं? तो मैं आज आप लोगों को वो बताने वाली हूँ। नंबर एक, कौन सी गुनहगार औरत है जो नहीं बच सकती है? वो है नंबर एक, बेपर्दा औरत। जो पर्दा नहीं करती है वो अल्लाह के गुनाह से कभी नहीं बच सकती। फिर नंबर दो वो है जो झूठ बोलती हो। और नंबर तीन ये है कि हर वक्त जो इस्लाम का मजाक बनाती हो वो भी कभी नहीं बच सकती अल्लाह के अजाब से। फिर नंबर चार, हर वक्त मौत मांगने वाली औरत, कहती है मुझे मौत आ जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मैं मर जाऊँ, उसमें वो नंबर चार आती है कि वो भी नहीं बच सकती है, हर वक्त जो मौत मांगती। फिर नंबर पाँच एहसान जताने वाली औरत, जो एहसान जताती है वो। और नंबर छः, जो शोहर की बात ना मानती हो, बिल्कुल जो शोहर की बात ना मानती हो वो। और फिर नंबर आठ ये, नंबर सात गीबत करने वाली औरत, नंबर आठ शोहर की नाफरमानी और तेज जबान वाली औरत। फिर नंबर नौ, बिना वजह घर से बाहर निकलने वाली औरत। फिर नंबर दस बाल खोल के बाहर निकलने वाली औरत। और नंबर ग्यारह, बिना वजह बकबक, मतलब बिना वजह बात करने वाली औरत, बिना वजह और ज़्यादा बोलने वाली औरत। और नंबर बारह झूठ बोलने वाली और बात फैलाने वाली औरत। मतलब ये कि अगर आपने थोड़ा सुना है और बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलाना, तो वो हो गया कि चुगलखोर औरत एक हिसाब से देखा जाए तो। तो ये है नंबर 12 नंबर औरत जो अल्लाह के सामने कभी भी अच्छी हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये ऐसी ऐसी बातें फैलाती हैं और ऐसी चीज़ें करती हैं जो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकती। उनका जो दरवाज़ा जो खुला है ना, वो दोजख के लिए खुला है। तो आप लोग ऐसा कभी ना करें, अच्छी बातें करें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और सदका दें, तो ये होती है हम लोगों की अच्छी चीज़ें। तो आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।